जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सीना चीर दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गया। फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए, बलिदान तुम्हारा ए देश कभी नहीं भूल पाएगा। याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा, देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए। फिर से वीर भारत माँ के तेरे शहीद हो गए, आंखें अभी भी दरवाजे पर रह तक रही होगी। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातें जग रही होगी, उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा। तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर कभी नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गया, फिर से वीर भारत माँ तेरा शहीद हो गया। जय हिंद दोस्तों, लखनऊ के रामाबाई स्थल में बने पीएससी कैंप में शुक्रवार शाम सिपाही विपिन कुमार 25 वर्ष की गोली लगने से मृत्यु हो गई। मृतक विपिन वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास में तैनात थे। 4 दिन बाद 27 जनवरी को विपिन की शादी थी। शनिवार को उसे छुट्टी पर घर आना था, लेकिन उस दिन उसका शव का इंतजार हो रहा था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। घटना के 1 घंटा पहले ही विपिन ने अपने पिता राम अवतार से शादी की तैयारियां व खरीदारी के संबंध में बातचीत की, लेकिन जब उसकी मौत की जानकारी मिली तो खुशियां मातम में बदल गई। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के तिहारा गांव के रहने वाले सिपाही विपिन कुमार के घर में मातम छाया हुआ है। 27 जनवरी को शादी की सहनाई बज रही थी। 20 जनवरी को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा ड्यूटी देने के दौरान पीएससी के वाहन में रामाबाई अम्बेडकर मैदान स्थित कैंप में लौट रहे थे। घाट कार में बैठे और अन्य जवान हथियार लेने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक गोलियों की आवाज आई और उन्होंने मिनी वैन देखा तो पीछे बैठे विपिन को गोली लगी थी और वह खून से लथपथ कार में पड़े मिले। आनन फानन में विपिन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो गई। साथी जवान और मौके की पड़ताल के बाद आसियाना पुलिस का कहना है कि कार से उतरते समय विपिन की इंसास राइफल गिर गई या टकरा गई और अचानक गोली चली जो विपिन को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। विपिन के परिवार में उसके पिता राम अवतार, माँ और 2 भाई ने हैं। वह इकलौता लड़का था, पिता किसान हैं। विपिन की कमाई से ही घर का खर्चा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक अगले सप्ते विपिन की शादी होने वाली थी। वह 23 जनवरी को छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वह शहीद हो गए। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक, 1 शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।